75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर साफा पहनकर भाषण देने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में साफा बांधने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए इस साल राजस्थानी साफा के लुक में दिखे हैं। इस साल प्रधानमंत्री ने पीले रंग का साफा बांधा है जिसमें ग्रीन रेड कलर की पट्टियां बनी हैं। इस पर भी पीएम मोदी का साफा उनके घुटनों तक आ रहा है। ऐसा ही कुछ मेल खाता हुआ साफा पीएम मोदी ने साल 2016 में बांधा था। साल 2018 में पीएम मोदी ने जो साफा पहना था वो भगवा रंग का था। पीएम मोदी के सिर में शोभा बढ़ा रहा साफा का पिछला हिस्सा उनके घुटनों के नीचे तक था। साल 2018 में पहली बार उन्होंने सबसे लंबा साफा पहना था। साल 2017 में पीएम मोदी ने पीले रंग का साफा पहना था। साल 2016 में पीएम मोदी ने गजकेसरी रंग का साफा बांधा जो कि जोधपुर का फेमस गजशाही है। ये साफा सफेद, लाल, गुलाबी, पीले और लाल रंग की पट्टियों से मिलाकर बना हुआ था। पीएम मोदी ने साल 2015 में केसरिया रंग का साफा पहना जिसमें हरी और लाल रंग की धारियां थी। साल 2014 में पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर में तिरंगा लहराया था। यहीं से पीएम मोदी साफा के कारण चर्चा में आए थे। इस दिन पीएम मोदी ने सफेद रंग का साधारण कुर्ता पहना था जिसके साथ राजस्थान के बंधानी प्रिंट का केसरिया साफा पहना था। इसके साथ ही साफा में तिरंगे का तीसरा रंग शामिल करने के लिए साफा का किनारे में हरा रंग दिया गया था। न्यूज डेस्क।